बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद और खबर शामिल करते हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद मोनी सिलाही जमान पार्क से रवाना हो गए हैं। मोनी सिलाही ने परवेज इलाही के बयानात पर एतमाद में लिया है। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयानात पर शिकवा भी किया, लेकिन अब दोनों रहनुमाओं में मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया है। क्या पेशरफ्त हुई, मुलाकात का क्या अहवाल है? जाबिर वकास हमें मुसलसल रहे हैं। जाबिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मोना सिलाही जो है वो 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और इमरान खान से मुलाकात की। तकरीबन 20 मिनट ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात को जो है वो वन टू वन मुलाकात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले उनकी इमरान खान साहब के कमरे में जाते हुए उससे पहले जो है वो फवाद चौधरी से भी चलते हुए बात की और इमरान खान जो फवाद चौधरी थे उन्होंने भी शिकवा किया कि आज का जो बयान है वो उस हवाले से जो है वो शकूक व शबहात पैदा होते हैं। और इसी हवाले से मोना सिलाही ने जो है वो फवाद के बयान पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया था और उसके बाद इमरान खान साहब को इत्तेमाद में लिया और इमरान खान ने प्रेसिडेंट के बयान पर जहां पर शिकवा किया वहीं पर इस आजम का भी इजहार किया कि दोनों जाती जमातें जो है वो मिलकर चलेंगी और जिस तरह अभी तक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चल रही है इसी तरह आगे भी इंतहाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और असेंबली तहरील करने के हवाले से जितनी भी जो मिलकर इकदाम किए जा रहे हैं उनमें मिलकर चलने का इतफाक होगा और इस हवाले से किसी भी किस्म की गलत फहमी को जो है वो अपने अंदर पिन अपने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गलत फहमी बिलाखिर दूर हो गई है, दोनों ने साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। एक बार फिर से बाबर वकास आपका।